लखनऊ में उन्नाव प्रकरण पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। दुष्प्रचार कर माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। योगी सरकार ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की तलाश भी तेज कर दी गई है। सरकार ने साइबर विशेषज्ञों को सक्रिय कर दिया है। उन्नाव में एक तरफा प्यार में दो लड़कियों की हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता नितिन बने हुए हैं। नितिन, आपसे जानेंगे, जिस तरह से उन्नाव कांड को लेकर लगातार राजनीति गर्मा गई है, तो वही अब योगी सरकार ने भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों की यहां पर पहचान की जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और सूचना विभाग जो उत्तर प्रदेश का है, मुख्यमंत्री कार्यालय जो है, वहां से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो उन्नाव मामले को लेकर भड़काऊ पोस्ट करता है उसकी पोस्ट पर नजर बनाई जाए, सोशल मीडिया पर नजर बनाई जाए और ऐसे लोगों पर जो जिस तरह से उन पर कार्रवाई हो सकती है वो करी जाए। सोशल मीडिया एक्ट या फिर जो जो अन्य जो जिस तरह से जो कार्रवाई करी जा सकती है वो कार्रवाई करी जाए, क्योंकि कल जिस तरह से खुलासा हुआ था उन्नाव मामले पर, जहां पर ये बताया गया था कि जो जो आरोप गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने एक तरफा प्यार के मामले में जो लड़कियां जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें जहरीला पदार्थ पानी में मिलाकर, कीटनाशक जिसे बोलते हैं वो पानी में मिलाकर पिला दिया था, जिसकी वजह से दो लड़कियों की जान चली गई। एक लड़की जिससे उसका एक तरफा प्यार था वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है, वो भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। लेकिन इस बयान के आने के बाद, पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं और कुछ और लोग जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पुलिस और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था और वो लगातार ये सवाल कर रहे थे कि जब कीटनाशक मिला है तो क्या पानी का रंग नहीं बदला या फिर पानी का स्वाद नहीं बदला, पुलिस ने अपनी ये थ्योरी बनाई है। तो ये देखना ही होगा कि जब इस तरह के पोस्ट लगातार विपक्षियों की तरफ से या फिर अन्य लोगों की तरफ से करे जा रहे हैं तो उस पर अब जो सूचना विभाग है और जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो कहीं ना कहीं सख्त हुआ है और ये आदेश जारी किया गया है कि ऐसे मामले पर अगर कोई भड़काऊ पोस्ट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल, और यहाँ अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक लड़की का जहां कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है उसकी क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस ने अपनी थ्योरी बताई है, पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल सारी चीजें सामने रखी, लक्ष्मी सिंह उसमें मौजूद थी, उन्होंने जो चीजें बताई कि जो कीटनाशक था वो पानी में मिलाकर पिलाया गया, उसके बाद जो दो लड़कियां थी पहले उन्होंने पिया और उसके बाद जो तीसरी लड़की जिससे वो एक तरफा प्यार कर रहा था उसने बाद में पिया और तीनों में से दो की जान ऑन द स्पॉट चली गई थी और एक अभी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, जब वो तीसरी लड़की होश में आएगी, उसका जब बयान होगा, तब कहीं ना कहीं ये जो पूरी गुत्थी है ये सही तरीके से सुलझ पाएगी, क्योंकि बिल्कुल और कहीं ना कहीं शायद अभी जो बातें और जो तथ्य सामने आ रहे हैं हो सकता है इसका एंगल भी चेंज हो जाए, क्योंकि जब उस पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे। नितिन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो उन्नाव कांड को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, जहां पर साइबर टीम को सक्रिय रहने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्नाव कांड को लेकर जो भी भड़काऊ पोस्ट की जा रही है उस पर सीधे तौर पर पाबंदी लगाने के लिए कहा गया है और सख्त कार्रवाई करने के योगी सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं।